हेलो वीवर्स, मेरा नाम है एहसान। 3ds Max के बेसिक कोर्स में आपका वेलकम है। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा कोर्स का पहला वीडियो है, तो इसमें हम सबसे पहले 3ds Max सॉफ्टवेयर के व्यूपोर्ट के बारे में जानेंगे, इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में जानेंगे। सो ये हमारा मेन्यू बार है। इस मेन्यू बार में 3ds Max के सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, जो कि कैटेगराइज करके इन मेन्यू बार्स के अंदर डाले हुए हैं। ये नीचे हमारे कुछ टूल्स होते हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, इसलिए ये सामने अवेलेबल है। हम इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, जिनको हमें सामने रखना है या जिनको हमें हटा देना है। इसके नीचे ये रिबन होता है। ये रिबन को अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर मेरे लिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर मैं मॉडलिंग पैनल में हूँ तो मेरे लिए सारे मॉडलिंग से रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। जैसे मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मेरे वर्टेक्स, मेरा एज और मेरे सारे मॉडलिंग से रिलेटेड टूल्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। इसी तरह से फ्री फॉर्म फॉर्म रहेगा, सिलेक्शन रहेगा, ऑब्जेक्ट पेंट रहेगा और पॉपुलेट रहेगा। इनमें सब अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और नीचे आए अगर हम, तो ये हमारा व्यूपोर्ट है जो कि चार हिस्सों में डिवाइड है। यहाँ पे चार विंडोज़ में आपको हमारा व्यूपोर्ट डिवाइडेड दिखेगा और इनके अपर साइड कॉर्नर में, हर व्यू के अपर साइड कॉर्नर में कुछ चीज़ें लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पर टॉप व्यू लिखा हुआ है, तो ये हमें सिर्फ टॉप व्यू दिखाएगा। ये फ्रंट व्यू है, ये वाला लेफ्ट व्यू है और ये पर्सपेक्टिव है। 3ds Max में सब चीज़ें 3D व्यू में चलती है, तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे कोई पर्सपेक्टिव व्यू में या कोई भी व्यू में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका हर साइड से हमें व्यू अवेलेबल होता है। पर्सपेक्टिव व्यू को हम चेंज कर सकते हैं एज पर आवर नीड। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये हमारे पास में एक क्यूब जैसा आइकन होता है, जो कि हमें अलग अलग व्यूज़ पे जाने में आसानी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं ये इसके टॉप व्यू पे चले जाता हूँ। अगर मैं ये एरो को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे लेफ्ट व्यू में, इस तरह से फ्रंट में, राइट में, इस तरह से मैं व्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। और इस व्यू को जो है ये पर्सपेक्टिव में पहले था, अगर मुझे उसे रीसेट करना है तो मुझे एक छोटा सा आइकन मिलेगा यहाँ पे ऊपर। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मैं जैसे व्यू में था मैं पहले वैसे ही इसमें आ जाऊँगा। मिसाल के तौर पे अगर मुझे व्यूज़ को समझना है अच्छे से तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अगर मैंने इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाया तो आप देख सकते हैं कि मुझे इस तरह से यहाँ पर ये टॉप व्यू मिलता है, मुझे यहाँ पर ये एक फ्रंट व्यू मिलता है और ये मुझे एक लेफ़्ट व्यू मिलता है। मैं इसे लेफ़्ट व्यू कह सकता हूँ या फिर साइड व्यू कह सकता हूँ। और ये मेरा पर्सपेक्टिव व्यू है जो कि बिल्कुल एकदम 3D व्यू रहेगा। मैं इसे किसी भी तरह से इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद में राइट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पैनल होता है जिसके अंदर कुछ अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। प्लस वाला जो सबसे पहला ऑप्शन है ये हमारा क्रिएट का ऑप्शन है। इसमें सारे हमें वो ऑप्शन मिलेंगे जिनसे हम ऑब्जेक्ट्स को या चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं 3ds Max में, जो कि बेसिकली पहले से 3ds Max के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लोडेड है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्रिएट पैनल है, इसमें सब क्रिएट से रिलेटेड चीज़ें होगी, वो चाहे ऑब्जेक्ट हो, कोई लाइट हो, कैमरा हो या कोई और चीज़ हो। उसके बाद में अगला ऑप्शन जो है तो वो मॉडिफायर पैनल है। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाता हूँ तो अगर मुझे उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज करना है, मुझे उसका साइज़ बढ़ाना है या छोटा करना है, अगर मैं कोई स्फीयर बनाता हूँ मुझे उसका रेडियस कम ज़्यादा करना है, या फिर मुझे उसकी उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है अगर मुझे उस प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो ये मेरा मॉडिफायर पैनल है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये टीपॉट को मैंने सिलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बॉक्स के अंदर मेरा टीपॉट सिलेक्टेड है और उससे रिलेटेड जो भी मेरी यहाँ पे सेटिंग्स है मेरी नीचे अवेलेबल है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मुझे रेडियस का, तो इसकी मदद से मैं इसका रेडियस बड़ा या छोटा करके मैं इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और सेगमेंट्स है, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। मैं इसके सेगमेंट्स बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होगी। जो ऑब्जेक्ट की जितनी प्रॉपर्टीज़ होगी मैं उनको यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं अगर हम नीचे की साइड में आएँ तो यहाँ पर ये हमें टाइम स्लाइडर मिलेगा। यहाँ पर आपको एक रूलर की तरह अलग अलग स्केल दिखेगी, 0, 5, 10, 15, 20। तो ये हमारा एनिमेशन के लिए काम में आता है।
तो फिलहाल हम इस बेसिक कोर्स में एनिमेशन का कोई यूज़ नहीं करेंगे, तो ये टाइम स्लाइडर हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन बस एक जानकारी के लिए समझ लीजिए कि ये जो टाइम स्लाइडर है ये हमारे एनिमेशन के लिए इस्तेमाल में आता है। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स, वाई और जेड हमें तीनों एक्सिस के कुछ बॉक्सेस अवेलेबल है, तो यहाँ पर इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक्स की कितनी पोजीशन पे है, वाई की कितनी पोजीशन पे और जेड की कितनी पोजीशन पे। और अगर मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो मेरे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के इसे कहीं पे मूव कर देता हूँ तो मेरे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। अगर मैं कर्सर को कहीं पे भी फ्रीली भी मूव कर रहा हूँ तो मेरे कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर इस ऑब्जेक्ट को किसी डायरेक्शन में मूव करना है, अगर मुझे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे इसे मूव करना है, तो मैं इसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे कुछ यहाँ पे एक्स, वाई और जेड एक्सिस के तीनों के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, जिनमें अप एंड डाउन एरो होता है। अगर मैं इस एक्सिस को चेंज करता हूँ, अगर मैं इसकी एरो को ऊपर नीचे करता हूँ, तो इस तरह से मैं इसकी पोजीशनिंग को चेंज कर सकता हूँ। मैं इसे एक्स की डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, अगर मैं वाई के पैनल को चेंज करता हूँ तो ये वाई के डायरेक्शन में चेंज होगा, और अगर मैं इसे जेड डायरेक्शन में चेंज करता हूँ तो ये जेड डायरेक्शन में चेंज होगा। आप देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट हमारे तीनों व्यू पोर्ट पे दिखता है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ या उसमें कोई भी बदलाव करता हूँ तो उसका इफेक्ट आपको मेरे तीनों व्यू पोर्ट पे दिखेगा। तो इसी तरह से हमारी ये चीज़ें काम में आती है। इसके बाद में जो कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है ये एनिमेशन से रिलेटेड है, और इसके बाद में ये कुछ ऑप्शंस है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अगर हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ लाइट का, सन का या फिर कैमरा, इस तरह के कुछ आइकन्स अवेलेबल है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे रेंडर इंजन के आइकन्स हैं। मेरे पास में वीरे और कोरोना दो अलग अलग टाइप के रेंडर इंजन है। नीचे ये जो है ये कोरोना के ऑप्शंस है, और ऊपर साइड में जो है ये वीरे के ऑप्शंस है। वीरे हो या कोरोना हो, ये सब रेंडर इंजन्स होते हैं जो कि हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को रियलिस्टिक व्यू में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। हमें अलग अलग तरह के इससे आउटपुट मिल सकते हैं, जैसे हमें डे का व्यू निकालना है, हमें नाइट व्यू निकालना है, या किसी भी तरह का हमें रियलिस्टिक नेचर या फोटो रियलिज्म अगर किसी ऑब्जेक्ट में लाना है तो उसकी मदद, उसके लिए हमें एक वीरे या कोरोना जैसा रेंडर इंजन की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मेरे पास में अवेलेबल है, मैं इन ऑप्शंस को दूसरी जगह से भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे मेरी फाइल को सेव करना है या मुझे मेरी सेव फाइल को ओपन करना है, तो ये बिल्कुल हमारे ऑलमोस्ट जैसे सभी सॉफ्टवेयर्स के अंदर होता है, ये बिल्कुल उसी तरह से अवेलेबल है। यहाँ मैं फाइल बटन पे जाता हूँ तो मुझे अगर कोई नया व्यू पोर्ट लाना है तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर सकता हूँ। मुझे अगर कोई मेरी सेव्ड फाइल को ओपन करना है तो मैं ओपन पे क्लिक कर सकता हूँ, और मुझे अगर इस फाइल को, इस पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है तो मैं इस सेव बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा, मेरे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से लोकेशन चूज़ कर लूँगा, मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम डाल दूंगा और सेव बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से हम जनरली जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी फाइल को सेव करते हैं, उसी तरह से हम इसकी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा यूज़र इंटरफेस और व्यू पोर्ट से रिलेटेड चीज़ें। यूज़र इंटरफेस और व्यू पोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हम बेसिक टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।